Hello everyone. In the last video, in first class maths, we completed chapter 4, page number 21 to 25. In this video, we are starting page 26, and this is ascending order. Arrange the following numbers ascending or increasing order. First of all, we will see what is ascending order. Ascending order means arranging the numbers from smaller to bigger. Ascending order का मतलब होता है numbers को arrange करना, कैसे? Smaller to bigger. Small से big की तरफ जाना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना. 37, 42, 65, 92. We observe, हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने small number लिया है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, और लास्ट पे सबसे बिग नंबर, लार्जेस्ट नंबर. असेंडिंग ऑर्डर ये इसका था. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही यही है कि जितने भी नंबर्स आपको दिए जाएं, उसमें आपको स्मॉल से बिग की तरफ जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो वो हो जाएगा आपका असेंडिंग. मीन्स इंक्रीजिंग. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया 20, 40, 60, 10 and 70. अब हम देख रहे हैं ये नंबर मिक्स हैं सभी. इन नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग में लगाने के लिए, असेंडिंग में करने के लिए, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर इसमें फाइंड करना है. स्मॉल नंबर जो काउंटिंग में आपके सबसे पहले आता है. अब हमने देखा कि 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले ही आता है, तो सबसे पहले आपने इसको रख लेना है. 10 से बिग, 10 से तो वैसे सारे बिग हैं, बट जो जस्ट आफ्टर 10 से बिग है इन नंबर्स में, वो है 20. जो आपके बच गए, 10 तो आपका हो गया, हमने क्रॉस कर दिया. अब आपके पास है 20, 40, 60 and 70. इन फोर नंबर्स में जो स्मॉल है यानी 20, तो 10 के बाद 20, ये भी हमारा हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास 40, 60, 70. इनमें स्मॉल कौन है? 40. देन वी कैन राइट 40, हमने 40 लिख दिया. नेक्स्ट है 60 and 70. अब इन दोनों में स्मॉल है हमारा 60, हमने 60 को राइट किया, एंड देन द बिगेस्ट नंबर इज 70. इस तरह से हम स्मॉल नंबर से बिग की तरफ जा रहे हैं. देखिए आप 10, 20, 40, 60 and 70, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. इन सम्स को आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, और इनको आपको अपनी नोटबुक पे भी प्रैक्टिस करनी है. जैसे ये मैंने किया है यहाँ पर, ये देखो, सबसे पहले मैंने स्मॉल नंबर्स बिल्कुल लिए हैं, 5, 9, 3, 8, 2. अब आप देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर इनमें कौन है हमारा? 2. तो हमने आंसर लिख के सबसे स्मॉल लिख दिया 2. 2 से बिग 3 लिया, फिर 5, फिर 8 एंड सबसे लार्जेस्ट 9. इसमें हमने थोड़े से और बिग कर दिए नंबर, 7, 11, 8, 19, 18. अब इनमें आप देखो सबसे स्मॉल है हमारा 7, हमने 7 को सबसे पहले राइट किया. फिर हमने देखा 11, 8, 19, 18, इनमें कौन है सबसे स्मॉल? 8. 8 को हमने यहाँ लिख दिया सेकंड पोजीशन पे. फिर हमने किया 11, 19, 18, इनमें है सबसे स्मॉल 11. 11 को हमने यहाँ पे राइट किया. अब रह गया 19 और 18. 19 और 18 में स्मॉल है 18, तो 18 पहले आएगा, सबसे लास्ट 19. आई होप यू क्लियर कि असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाना. सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर सबसे बिग नंबर. इस तरह से आपको सम लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, और उसका आंसर फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे इसको आपको फिल करना है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिसेंडिंग ऑर्डर. सेम इसी का अपोजिट है ये, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. हमने असेंडिंग में किया था स्मॉलर टू बिगर, यानी स्मॉल नंबर से हम ऊपर की तरफ, बिग की तरफ जा रहे थे. बट इसमें अपोजिट है, आपको बिग से स्मॉल की तरफ आना है. जैसे हम स्टेयर्स नीचे की तरफ उतरते हैं, हम सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर की स्टेयर पे, सीढ़ियों में, फिर धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप हम नीचे आते हैं. सेम प्रोसेस है इसमें डिसेंडिंग में.
जहां हमने स्टेयर्स को नीचे लाना है, यानी बिग नंबर से स्मॉल की तरफ आना है। जैसे फर्स्ट है आपका ये 7, 2, 9, 5, 3, इनमें आपको सबसे बिग नंबर कौन सा है हम देखेंगे। सबसे बिग है हमारा 9, हमने यहाँ ले दिया 9, इसकी टर्न हो गई, इसको क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है इससे स्मॉल 7, ये 7 लिख दिया। 7 से स्मॉल 5, फिर इससे स्मॉल 3, फिर लास्ट पे 2। असेंडिंग होगा तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हम 2, 3, 5, 7, 9 लिखेंगे। अब डिसेंडिंग है, डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले सबसे बिग, सेम है उसके जैसा। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत इजीली आप इसको भी कर पाएंगे। इसको भी आपको नोटबुक पे करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे उसमें क्या था सेम, जैसे हमारा 30, 40, 60, 10, 50 सेम है। सबसे बिग है हमारा 60, सबसे बाद में आता है काउंटिंग में 60, फिर इससे स्मॉल 50, इससे स्मॉल 40, ये हमारे हो गए 3, इसको क्रॉस करते जाएं, फिर नेक्स्ट 30 और लास्ट पे 10, यानी सबसे बिग, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर जो उससे स्मॉल है लास्ट पे जो वेरी स्मॉल, सबसे स्मॉल नंबर है इन गिवन नंबर्स में, उसको हमने राइट करते जाना है। ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है, ये बहुत सिंपल है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, जो भी गिवन नंबर हो उनमें से। जैसे ये सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, अब ये गिवन नंबर है आपके पास 5, इनमें से सबसे बिग कौन है, ये 5, 35, 27, 59, 11, हम देखें 59 की लाइन सबसे बाद में आती है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सर्कल दिस नंबर। जैसे ये है हमारा 69, 90, 79, 92, 88, जब हम काउंटिंग बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो 92 है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बाद में आता है, तो हमने इसको सर्कल करना है, ये हमारे ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल करने हैं आपको। कलर द ग्रेटेस्ट, सेम वही है, अब आपको यहाँ पे सर्कल नहीं करना, आपको कलर करना है। ये 4 हैं, इनमें कलर द ग्रेटेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस, कलर करना है आपको ग्रेटेस्ट को। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है इसमें, 99 है, आप इसको कलर करेंगे, इनमें जो आपको ग्रेटेस्ट लगेगा उसमें कलर करेंगे, और इसमें जो ग्रेटेस्ट है उसको कलर करते जाएंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर पे कलर हो जाएगा। सेम इसका अपोजिट, स्मॉलेस्ट मीन सबसे स्मॉल। अब इन नंबर्स में सबसे स्मॉल कौन है, जो सबसे पहले आ जाता है काउंटिंग में, जैसे हमारा 9, 9 सबसे स्मॉल है 18, 57, 43, 69 में, तो 9 स्मॉल है, तो 9 पे हमने क्या कर दिया, सर्कल। सेम 35, 11, 10, 29, 18, इन 5 में सबसे स्मॉल कौन है, 10 सबसे पहले आ जाता है काउंटिंग में, ये सबसे पहले आता है तो ये सबसे स्मॉल। जैसे ये 32, 45, 62, 41, 18 की लाइन सबसे पहले आती है, 11, 12, 13 उसमें आता है 18, 40 की लाइन 45, 32, 41 ये सब हमारे बाद में आएंगे, तो ये हमारा सबसे स्मॉल है। कलर द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फ्लाइंग, इन 4 नंबर में जो सबसे स्मॉल है हमारे पास है सबसे स्मॉल 3, हमने इसको कलर करना है। यहाँ पे कौन है सबसे स्मॉल, 8 को कलर। 30, 45, 29, 50 सबसे स्मॉल है हमारा 29, इनको कलर करें, जो आपको कलर अच्छा लगता है उसी से। और ये हो गया हमारा 29 तक कंप्लीट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी का हम आगे करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।